अब तुम दोनों को मैं कैसे समझाऊं? बूढ़े हो गए हो लेकिन अकल नहीं आई है। आप हर बार हमें ही क्यों गलत ठहराते रहते हो काका जी? इसलिए कि तुम दोनों बात ही ऐसी करते हो। अब तुम लोगों ने जो संगीता से कहा, क्या कुछ सुलझो माँ बाप अपनी जवान बेटी से ऐसा कहेंगे? पर काको जी, जिस तरह से वो शादी के लिए राजी हो गई, क्या वो शक पैदा नहीं करता? किस बात का शक बहू? अविनाश के घर में रह के अनूप के आंगन में झांकने की कोशिश कर रही है वो। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक तरह से संगीता को चरित्रहीन साबित करने की कोशिश कर रहे हो। चरित्रहीन नहीं कहा काको जी हमने, सिर्फ कह देने से बात का मतलब नहीं निकाला जाता। तुमने कैसे कह दिया कि संगीता अविनाश के साथ संबंध रखने के बाद अनूप के साथ जुड़ना चाहती है? शादी के बाद प्रेमी से रिश्ता रखने वाली औरत को क्या कहोगे तुम? चरित्रहीन। और संगीता को क्या कह रहे थे? अपने खून पर भी भरोसा नहीं रहा तुम्हें? भरोसा तो संगीता ने खो दिया है काकू जी। जब तक अविनाश और अनूप की पहचान के बारे में उसे पता नहीं था, तब तक वो इस शादी के लिए राजी नहीं थी। पर अब जब उसने हाँ कर दी तो हमें लगा कि वो अनूप को पाने का नया रास्ता ढूंढ रही है। और तुमने उसे पूछा कि वो अचानक तुम्हारे फैसले पर अमल करने के लिए राजी क्यों हो गई? नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? बात उस बेचारी की जबान पर आई नहीं कि तुम लोगों ने दलीलें दे दी? यही करते आए हो तुम लोग, यही करते आए हो, और यही वजह है कि विशाल दूर है तुमसे, यही वजह है कि आरती मर गई है। अंदर का शैतान तुम लोगों पे हावी हो गया है। दूसरों की बात सुनने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों में। पूछते तो पता चलता संगीता अनूप से नफरत करने लगी है। संगीता अनूप से नफरत? हाँ, नफरत करने लगी है, क्योंकि अनूप संगीता को घर छोड़ने के लिए बहका रहा था। अनूप संगीता को एक बार फिर गलत रास्ते पर ले जाना चाहता था, लेकिन संगीता ने उसे वही रोक दिया, उसे भी रोक दिया और अपना रास्ता भी बदल लिया। क्या कर लेते तुम लोग अगर संगीता अनूप के साथ भाग गई होती तो? अनूप की असलियत को जान लेने के बाद उसे लगा तुम्हारा फैसला ही सही, वो तुम्हारी मर्जी पर चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तुमने उसे शक के पिंजरे में कैद कर दिया। अरे भाग्य पर नहीं तो कम से कम अपने दिए हुए संस्कारों पर तो भरोसा रखो। सूरज की किरणें बादलों में घिर जाने के बावजूद रोशनी देती हैं। अपनी संतान को पहचानो, पहचानो अपनी संतान को, वरना आज तुम जो सोचते आए हो ना, एक ना एक दिन वो होकर रहेगा।